शराब के बड़े कारोबारी और बिल्डर पोंटी चड्ढा और उनके भाई की हत्या के केस में गिरफ्तार हुए सुखदेव सिंह नामधारी की आज पुलिस हिरासत खत्म हो रही है। सुखदेव सिंह नामधारी 5 दिन से पुलिस हिरासत में है और आज दिल्ली पुलिस साकेत कोर्ट में नामधारी को पेश कर उनकी कस्टडी बढ़ाने की मांग करेगी। सुखदेव सिंह उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष हैं। दिल्ली पुलिस का मानना है कि नामधारी ने पोंटी चड्ढा के भाई हरदीप पर गोली चलाई थी। यही नहीं, फायरिंग के बाद नामधारी ने हथियार को छिपाने की भी कोशिश की। पुलिस के मुताबिक इसमें नामधारी के बेटे, एक संबंधी और ड्राइवर ने भी मदद की। सूत्रों के मुताबिक पुलिस पोंटी चड्ढा के मैनेजर नरेंद्र अहलावत की हालत सुधरने का इंतजार कर रही है। अहलावत भी छतरपुर के फार्म हाउस में हुई फायरिंग में घायल हुआ था। पुलिस को उम्मीद है कि अहलावत के बयान से इस केस के कुछ और राज सामने आएंगे। इससे पहले कल क्राइम ब्रांच की एक टीम पोंटी चड्ढा के छतरपुर के फार्म हाउस पहुंची। क्राइम ब्रांच की टीम ने यहां मेटल डिटेक्टर से फायरिंग में चली गोलियों की तलाश की। इस फार्म हाउस पर पुलिस ने घटना का रिक्रिएशन कर वारदात की बारीकियों को समझने की कोशिश की। पुलिस अब तक इस मामले में 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है। केस से जुड़े 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 17 नवंबर को छतरपुर के फार्म हाउस नंबर 42 पर फायरिंग में पोंटी चड्ढा और उनके भाई हरदीप की मौत हो गई थी।